पिछली दो वीडियो से हम एक स्पेशल केस देख रहे थे, वो है हर्फ रॉ की। हम इस बात पर फैसला कर रहे थे कि ये रॉ जब भी कुरान में आएगा तो हमें इसे पुर पढ़ना है कि बारीक पढ़ना है। तो हमने देखा कि सिर्फ रॉ तो नहीं रहेगा कुरान में, कुरान में जब भी रॉ आएगा तो उस पर या तो ज़बर होगा या ज़ेर होगा या पेश होगा। इसी तरह वो रॉ साकिन भी रह सकता है, यानी उसने अपने ऊपर जज़्म को लिया है, या फिर वो रौ मुशद्दद भी रह सकता है, यानी उसने अपने ऊपर तशदीद को लिया है। ये तीन फैमिली में हमने उसको बांट दिया था रौ को। तो जब हमने देखे कि रौ अपने ऊपर ज़बर और पेश को ले रहा है, रौ या तो ज़बर या पेश को अपने ऊपर जब भी ले रहा है, तो हम उस रौ को पुर कर रहे थे। जैसे दरोस रसूलु, हम रौ को पुर पढ़ रहे थे। जब भी हमने देखे कि रौ ज़ेर ले रहा था अपने ऊपर, तो हम उस रौ को बारीक पढ़ रहे थे। ये भी हमने पिछली वीडियोस में देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि रौ जब भी साकिन की हालत में आएगा, यानी रौ पर जज़्म रहेगा, अगर उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश है, तो हम उस साकिन वाली रौ को पुर पढ़ रहे थे, और सल्ला और सल्ला। और जब भी हमने देखा कि रौ पर जज़्म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जब भी ज़ेर हो, तो हम उस रौ को बारीक पढ़ रहे थे। इतना समझ में आ गया था कि रौ ज़बर या पेश ले तो पुर हो रहा था, एक रौ जब ज़ेर ले तो बारीक हो रहा था। ये फैमिली हमने पूरी की थी मुतहर्रिक की। हमने साकिन फैमिली भी पूरी कर ली कि जब भी रौ साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर या पेश हो, तो रौ पुर हो रही थी, और रौ साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर हो, तो रौ बारीक हो रही थी। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो मुशद्दद है, यानी रौ अब अपने ऊपर तजदीद को लिया हुआ है। तो तजदीद की वीडियो आपने देखी होंगी तकरीबन एक दो हफ्ते पहले जो आई थी, जब हम तजदीद पहली दफ़ा पढ़ रहे थे, तो हमने उस वीडियो में क्या पढ़ा था कि तजदीद वाला हर्फ हमें दिखता एक है कुरान में, कुरान में इस तरह एक दिखता है, मगर वो हर्फ कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसमें से पहला वाला हर्फ कंपल्सरी जज़्म की स्टेट में रहेगा, यानी उस पर जज़्म ही रहेगा, और दूसरा वाला जो रौ रहेगा वो हमने देखे कि जो इस रौ पर रहेगा, अगर यहाँ ज़बर है तो यहाँ ज़बर आएगा, अगर मैं रौ मुशद्दद लिख लूँ पेश डाल दूँ, तो पहला वाला कंपलसरी जज़्म वाला रौ, उसके बाद रौ पर क्या रहेगा? जो इस रौ पर रहेगा, यहाँ पर क्या है? पेश, तो यहाँ पर पेश। अगर मैं लिख लूँ रौ मुशद्दद, उस पर ज़ेर डाल दूँ, तो पहला वाला कंपलसरी जज़्म और दूसरा वाला रौ क्या लेगा? ज़ेर लेगा। ये चीज़ हमने बहुत पहले पढ़ चुकी थी, कोई भी हर्फ रहे तशदीद वाला, सिर्फ रौ ने कोई भी हर्फ रहे तो इस तरह वो टूटता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होगा तशदीद वाली रौ में? एक मसला ऐसा आएगा कि रौ चूँकि यहाँ पर ज़बर भी आ रहा है या ज़ेर आ रहा है या पेश आ रहा है, ये तीनों चीज़ आ रही है तशदीद वाली रौ में, ज़बर ज़ेर पेश, और इसके साथ साथ रौ साकिन भी आ रहा है। तो अब एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मुझे रौ साकिन को पुर करना है कि इस रौ को पुर करना है, या मुझे रौ साकिन को बारीक करना है कि इस रौ को बारीक करना है, क्योंकि रौ दिख एक रहा है मगर दो रौ है, तो मुझे कौन से रौ पर कायदा अप्लाई करना है, इस जज़्म वाले रौ पर या इस रौ पर, यानी मैं पुर किसको करूँ अगर मुझे पुर करना है, या फिर मैं बारीक किसको करूँ अगर मुझे बारीक करना है, क्योंकि हमने जज़्म का भी कायदा पढ़े और हमने मुतहर्रिक का भी कायदा पढ़े। अब क्या होगा कन्फ्यूजन के लिए, देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर है बिर्रु, क्या है? बिर्रु, तो रौ पर क्या है? वहाँ पर तजदीद है, तो पहली रौ क्या होगी? जज़्म वाली, ठीक है। तो ये रौ जो जज़्म वाली है, क्या इसको सपोर्ट लगता है पहले वाले हर्फ का? तो पहले वाला हर्फ क्या है? ज़ेर है, बा है उस पर ज़ेर है, तो मैंने लिखा बा रौ ज़ेर बिर। अभी मैंने पढ़ा था ना कायदा कि रौ साकिन से पहले ज़ेर हो तो रौ बारीक होगी, बिर। लेकिन मैं देखता हूँ कि आगे जब मुझे पढ़ना है तो रौ पर पेश आ रहा है, पेश, रौ पेश रू। तो अब यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि बा रौ ज़ेर बिर बारीक पढ़ूँ या रौ पेश रू पुर पढ़ूँ, कैसा पढ़ूँ, या पहले बारीक पढ़ूँ फिर पुर पढ़ूँ, जैसे बिर रू बिर रू। लेकिन इसमें जो है मखरज की अदायगी नहीं होगी, मुझे या तो इस रौ मुशद्दद जो यहाँ पर आया है
या तो इसको पूर्व पढ़ना है या बारीक, दोनों में से मैं एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह नहीं कर सकता कि इसे पहले बारीक पढ़ के फिर पूर्व करूँ या इसे पूर्व करके फिर बारीक करूँ, ये नहीं होगा। तो अब क्या डिपेंड करेगा वो हमें तलाश करना है कि मैं इस रॉ साकिन पर जाऊँ या इस रॉ पर जाऊँ। ठीक है, तो ये क्या है रॉ साकिन, ये टेम्पररी है, मतलब इससे पहले वाले हर्फ बदल भी सकता है, उस पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी हो सकता है, वो बदल सकता है, एक चेंजिंग स्टेट में है। लेकिन ये रॉ जो रहेगी परमानेंट, यानी ये रॉ पर तशदीद है तो इस पर पेश परमानेंट है, यानी ये रॉ जो एक साकिन वाला था वो उसको हमको पहले वाले हर्फ के साथ मिलाना है, वो हो गया। लेकिन जो इधर परमानेंट रॉ ने अपनी एक पोजिशन बनाई हुई है वो पेश वाली है, तो पेश, तो मैं इस रॉ पर जाऊँगा जो सेकेंड रॉ रहेगी। नहीं समझे, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि रॉ पर आप जब भी तशदीद देखे कुरान में, आपने कुरान में देखे कि रॉ पर तशदीद आ गया, अब मैं रॉ पुर करूँ या बारीक करूँ तो मैं क्या देखूँगा, सबसे पहली चीज़ जो देखूँगा कि बाबा ये रॉ जो तशदीद वाली आ गई ना, इस पर ज़बर है या पेश है तो मैं पुर करूँगा, और इस पर अगर ज़ेर है तो मैं इस रॉ को बारीक करूँगा। मुझे पहले वाले हर्फ को देखने की झंझट नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस रॉ मुशद्दत को देखकर फैसला करूंगा। अगर उसने अपने ऊपर जबर या पेश लिया है तो मैं ये रॉ को पुर करूंगा, और उसने अगर जेर लिया है तो मैं बारीक कर दूंगा। मिसाल पर आता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। यहां देखो रॉ मुशद्दत है ना, मैंने क्या कहा कि जब भी रॉ मुशद्दत आए उस रॉ पर देखो, उससे पहले वाले हर्फ को छोड़ दो, उससे पहले वाला हर्फ कौन सा है और उस पर जबर है क्या जेर है क्या पेश है वो देखना ही नहीं है। ये जो मुशद्दत वाला हर्फ है रॉ, उसने अगर पेश या जबर लिया है तो रॉ पुर होगी और जेर लेगा तो बारीक होगी। अब यहां पर उसने क्या लिया है, पेश, क्या लिया है, पेश, तो मैं क्या करूंगा, इसको पुर करूंगा, कैसा, बिर्रो बिर्रो, ये रॉ पुर होगी। क्यों, हालांकि इससे पहले जेर था, यानी ये जो रॉ साकिन मैंने यहां लिखा हूं, ये बा में मिल रहा ना, बा रॉ जेर बिर, मैंने तो कायदा पढ़ा था कि रॉ साकिन से पहले जेर हो तो रॉ बारीक होगी, तो यहां पर बारीक क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो मैंने यहां पर कायदा पढ़ा था वो साकिन फैमिली में था, यानी रा रॉ जो रहेगी वो परमानेंट जो साकिन है ना, सिर्फ साकिन तजदीद वाली तजदीद की वजह से वो साकिन ना हो, वो खुद पहले से साकिन है तो ये एप्लीकेबल था। लेकिन जब तजदीद वाली रॉ आई तो उसने कहा कि इस रॉ साकिन को नहीं देखना है, बल्कि जो हकीकी रॉ है वहां पर उस रॉ को देखेंगे। तो यहां पर रॉ ने पेश लिया था तो मैं रॉ को पुर कर रहा हूं। इसी तरह ऊपर आए, क्या है, मर्रतन मर्रतन मर्रतन, रॉ पुर हो रही, क्यों, क्योंकि जबर आया, तजदीद वाली रॉ पर जबर आया इसलिए रॉ पुर हुआ, तजदीद वाली रॉ पर पेश आया इसलिए रॉ पुर हुआ। अब यहां पर आओ, तजदीद वाली रॉ है उस पर जेर है, कायदा तो मुझे पता है कि बारीक होगी, लेकिन एक सवाल उठ सकता है कि मैंने पढ़ा था कि रॉ साकिन से पहले अगर जबर हो, जैसा यहां पर है बा रॉ जबर बर, तो रॉ पुर होनी चाहिए, तो पुर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो जो है वो मुशद्दद में है, यानी ये रॉ जो यहां पर आपको दिख रहा है ये रॉ एक नहीं रॉ दो है, इसलिए मैं साकिन वाले पर एतमाद नहीं करूंगा, ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं जो दूसरी रॉ है उसको ट्रस्ट करूंगा, यानी इस केस में जो जेर वाली रॉ है। तो मैं जाऊंगा कि अगर इस पर जेर है, तजदीद वाली रॉ पर जेर है, तो मैं इसको बारीक करूंगा, बर्री, हालांकि जबर से आ रहा है, इससे पहले जबर आ रहा है, बर्री होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमको तजदीद वाली रॉ में इसी रॉ को देखना है जिस उसने अपने ऊपर क्या लिया है, तो बर्री बर्री, रॉ को मैं बारीक करूंगा। इसी तरह देखो, इधर भी पहले जबर आया, रॉ आया, रॉ पे तजदीद है और जेर है, जेर, तो मैं मिन शौर री नहीं करूंगा, यानी पहले पुर नहीं करूंगा, शीन रॉ जबर शौर नहीं, तजदीद वाली रॉ को पहले से ही या तो पुर पढ़ना है या पहले से ही बारीक पढ़ना है, और पुर और बारीक कब पढ़ना है ये हमने देखे। अब जेर है तो मुझे पहले से ही बारीक करना है, यानी शर्री, ऐसा नहीं कि शौर्री शौर्री नहीं, शर्री म्यू शर्री, इतना समझ में आ गया। तो आज जो चीज़ हमने देखे वो रॉ तशदीद वाली देखे, इसमें से हमने एक चीज़ जो निकाली कि हमें हमेशा कुरान में देखना है कि यह रॉ मुशद्दत या अपने ऊपर जबर ले या पेश ले, तो इसे हमको कुरान में पुर करना है, पुर कहते हैं भर कर पढ़ने को, और अगर जेर ले तो हम इसको बारीक कर रहे थे। इतना समझ में आ गया, इसे भी नोट करें। अब ये क्या हो गए, ये बेसिक रॉ का हो गया। अब कुछ इसमें जो है एग्जम्पशंस आएंगे,
यानी कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जो हमने पढ़े, हो सकता है उसके अपोजिट हो जाए, वो स्पेशल केसेस रहेंगे, वो थोड़े से ही हैं, उसको हमको लिखना है और उसकी वजह भी क्या है वो भी इंशाल्लाह बताई जाएगी।